बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी आसिम राजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजर खान में एहसन के साथ। हाय कर देते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेले पे। पिंडी से यहाँ तक मैं लोकल आया हूँ, आगे इसके साथ जाऊँगा। बाइक लाए हो जाएगा लोकल ही आगे भी तो लोकल जाएंगे। अभी गर्मी इतनी है, सबसे पहले मैंने बोला मैं जूस पीना है, तो ये मुझे यहाँ ले आया है। शेक पियेंगे, शेक हमने स्पेशल बनवाया है केले का, उसमें दो खजूर है। तो भाई जूस हम लोगों ने पी लिया और बहुत गर्मी हो रही है। हम लोगों ने गंडेरिया ले लिए और प्रोग्राम हो गया चेंज। ये जा रहे अपने गांव, मैं जा रहा हूँ अपने गांव। मेला मेरे गांव के करीब है, सो ये आ जाएगा 2 बजे तक। सो अभी आज हमने किसी की हेल्प भी करनी है, वो भी करते हैं। किसकी करें हेल्प बता मेरी का तो यार। भाई गर्मी इतनी है कि सोचा कैप ले ली जाए, सो कैप लेने आ गए हैं। एक पसंद आई है। कितने की है खान भाई? 250 देने। कितने की है? 250 है ही। 250 की देनी भी 250 की है। 250 की है खान भाई, कम नहीं कर रहे खान भाई। 150 150 का बच्चे वाले। हाँ 150 का छोटे बच्चे वाले। तो मैं भी बच्चा ही हूँ ना। बच्चा है? हाँ मैं बच्चा हूँ। अच्छा। कोई नहीं यार, मैं बस छोटा बड़ा नोट निकालो। 1500 का 5000 का नोट निकालो। 1500 कहाँ से निकाले मामा, खर्चे इतने हो गए हैं ना। खर्चे किधर हो गए, क्या करें यार, बीवी बच्चे वाले बंदे हैं, क्या करें, बच्चे हैं। चलो भाई खान भाई से सौदा हो गया डन, और अभी जो है चलते हैं, किसी की हेल्प करनी है। समझ नहीं आ रहा करें क्या, या फिर एक काम करते हैं, कोई मुस्तैक देख के उसको पैसे दे देते हैं। ठीक है खान भाई, 200 रुपए में हो गया सौदा कैंप का, मेहरबानी। अच्छा भाई मुझे एक बाबा नजर आ गए हैं, बुजुर्ग हैं काफी। आज जो है हम उनको 400 सेल करनी थी, तो 400 दे देंगे। लाजमी नहीं है रोज चीज ही दो, कुछ जरूरियात होती है बंदे की, अब वो खुद ही कर लेंगे। ठीक है, पैसे भी जरूरत होते हैं। चलो भाई आज की हेल्प हो गई है, और अभी चलते हैं मेले पे। मैं जल्दी से जाऊँ अपने घर, रेडी होके पहुँचता हूँ, इतने में ये भी आगे पहुँच जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे में लाफ है। ओके गाइस, सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ घर, बस अब एहसन का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही एहसन आएगा तो हम लोग जाएंगे मेले पे, नौफिल को भी लेके जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। सो नौफिल भी जाएगा, मैं और एहसन। सो एहसन जैसे ही आता है चलते हैं, तब तक आप लोग भी वेट करो, मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं पहलों की रेस पे, एहसन आ गया है, नौफिल भाई पीछे बैठा हुआ है, और रास्ता आप लोग देखो, एंजॉय करो, काफी अच्छा लग रहा है, हरा भरा। बाकी अभी चलते हैं। कौन सी रेस है? बैलों की रेस। बैलों की नहीं, दांतों की रेस। दांतों की रेस। ये देखे भाई, ये लगा हुआ है मेला, झूले आप देख सकते हैं। कि अभी हम लोग मेले पे नहीं जा रहे, कल इंशाल्लाह यहीं पे ही हूँ अभी मैं, कल आप लोग को मेला दिखा दूंगा। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, वहाँ बैल की रेस हो रही है, मेन चीज़ है वो देखनी। सो आज वो देखेंगे, कल आप लोग को मेला दिखा देंगे। ठीक है, देखो लोग जा रहे हैं वापस। यार हम लोग लेट हो गए हैं, ये कसम से एहसन ने जो है ना लेट करवा दी, और अगर आज बैलों की रेस ना देख पाए ना तो मतलब क्या बोलूँ। ये देखो सारी गाड़ियाँ वापसी जा रही हैं, ये देखो सब वापसी जा रहे हैं यार, ये देखें भाई। हाँ जी अच्छा भाई, जैसे डॉग रेस आप लोगों ने देखी होगी, उसके आगे एक डमी लगी होती है, वो भागती है और ये उसके पीछे भागते हैं कुत्ते। बट यहाँ पे जो है बैलों की रेस है, इनमें दो जोड़ियाँ जोड़ी जाती हैं, एक ही बंदे की होती है, और उसके पीछे बंदा पकड़ के खड़ा होता है और वो रेस हो रही होती है। जो लाइन क्रॉस कर गया वो जीत गया, बाकी जिसने जो है मैदान छोड़ दिया, मतलब टूट गई इधर उधर चली गई, वो हार गया। ये टूट गई मैदान छोड़ गई, भाग गई यहाँ से ही जो है वो जाने। ओ ये भी टूट गया भाई।
नहीं जी ये भी बाहर निकल गया ना लो भाई और ये जो है पाकिस्तान के झंडे यहाँ से स्टार्ट होती है ये ग्राउंड देख रहे हो ये ग्राउंड जैसे यहाँ से भी अगर आउट होगी तो वो हार जाएगी वहाँ से भी ग्रीन से अगर उधर चलेगी मैदान छोड़ दिया तो आउट और यहाँ हजारों के हिसाब से लोग आए हुए हैं देखने के लिए आप लोग देख सकते हो मतलब इतने शौकीन ही है बस खत्म चलो भाई दांतों की दौड़ खत्म हम लोग लेट हो गए तो थोड़ी सी देख पाए बट अच्छा था जो करीब से देखा है ना तो काफ़ी अच्छा लगा है बट इंतज़ार बहुत करना पड़ रहा था खैर अभी चलते हैं मेले पे और वहाँ से कुछ खा पी लेंगे आप लोग को दिखा भी देंगे अच्छा भाई इस वक्त हम लोग मेले में मौजूद हैं बैलों की रेस तो आप लोगों ने देख लिए जो भी थी बाकी ये पीछे जो देख रहे हो आप ये दरबार है इनकी वजह से यहाँ पे मेला लगता है अभी भूख लगी हुई है कुछ खा भी लेते हैं मेले से ही कल होगी कबड्डी वो इंशाल्लाह जो है बिल्कुल टाइम से जो है सुबह सुबह उठ के दिखाएंगे मामू जुबैर भी आए हुए हैं उनसे भी मिलवाएंगे अभी खाते हैं चाट चाट लग तो स्पाइसी रहा है बाकी टेस्ट करके देखते हैं कैसे मजेगा भाई स्पाइसी है मजेगा सही स्पाइसी बनाया भाई यही था मेला बस अभी चलते हैं घर घर ऐसा हमें ड्रॉप करेगा कल आ जाना टाइम से यहाँ कबड्डी है ठीक है ओके ओके यार पता नहीं ऐसा क्यों होता है जब आप कोई चीज़ खरीद लेते हो उसके बाद आपको दूसरी दुकान से ज़्यादा अच्छी लग रही होती है अभी हम लोगों ने जलेबी ली है नौफिल को दिलाई है नौफिल दिखा ये जलेबी मैंने इसे दिलाई है बट ये ख़ास नहीं थी बाकी शॉप में देख रहा हूँ तो वो ज़्यादा ताज़ी लग रही है ऐसे ही होते हैं हमेशा चलें ठीक है अहसन भाई अल्लाह सुनने वाले हैं अल्लाह हाफिज़ अल्लाह कल इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मिलेंगे ठीक है अल्लाह हाफिज़ और सर बस ना जाएं अब चल भाई चलो भाई अब चलते हैं घर और मिलते हैं आप लोग से कल नए व्लॉग में मज़ा आया बहुत मज़ा आया अभी अब जलेबी खाएंगे और चाय पियेंगे हाँ तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में तब तक रखें अपना ख्याल दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़